तो फ्रेंड्स फाइनली एक गुड न्यूज है, इन्फिनिक्स जो कि चाइना का टॉप ऑनलाइन ब्रांड स्मार्टफोन है, वो फरवरी 6 को इंडिया में अपना सेल्फी स्मार्टफोन जो कि इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन के नाम से जाना जा रहा है वो लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप भी इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंडस्ट्री सोर्सेज की माने तो इन्फिनिक्स की तरफ से ये स्मार्टफोन जो कि सेल्फी सेंट्रिक एस सीरीज फोन है वो इंडिया में लॉन्च होने के बाद ग्लोबली लॉन्च हो जाएगी। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि ये स्मार्टफोन में डुअल एलईडी फ्लैश होगा जिससे कम लाइट में भी ब्राइट सेल्फीज आएगी। इस कंपनी ने पिछले साल ही इंडिया में इन्फिनिक्स 05 लॉन्च किया था जिसका प्राइस अप्रॉक्स 18,000 था। इसमें डुअल कैमरा सेटअप था जिसमें 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा था जो कि सेल्फीज के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा था। इसका इनबिल्ट स्टोरेज 16GB था और रैम की बात की जाए तो ये 6GB रैम के साथ लॉन्च हुआ था। अगर इसके स्क्रीन साइज की बात की जाए तो इसमें 5.98 इंच का फुल एचडी स्क्रीन था और साथ ही ऑक्टा कोर मीडिया टेक हेलियो P25 प्रोसेसर था। इन्फिनिक्स 05 की एक और खास बात थी कि ये फोन प्रीवियस ईयर 4350mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था। तो देखना यह है कि इन्फिनिक्स की न्यू स्मार्टफोन जो कि इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन है उसमें हमें क्या क्या और भी नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको इन्फिनिक्स की अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। So